हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राजक्ता मीगा फैशन इंस्टीट्यूट के लर्न विद मीगा इस फ्री नॉलेज शेयरिंग सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने बोटनेक ब्लाउज का पेपर ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग सीखा था और आज के इस वीडियो में हम फैंसी स्लीव्स का पेपर ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग सीखेंगे। बेसिक स्लीव्स में 2 से 3 चेंजेस करने के बाद फैंसी स्लीव जो है वो रेडी हो जाती है। मीगा फैशन इंस्टीट्यूट एक 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप डिग्रीज, डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्सेस हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सीख सकते हो। मीगा फैशन इंस्टीट्यूट ने अभी तक 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी हुई है, जिसके उपलक्ष्य में मीगा फैशन इंस्टीट्यूट को इंडियाज लीडिंग फैशन इंस्टीट्यूट के अवार्ड से नवाजा गया है। और इसी के साथ हमारे मेगा फैशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर बालासाहेब गावड़े और मिसेस मीनल गावड़े, इनको भी बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। तो हमें खुशी होगी कि आप भी हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करके हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हो। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, आने वाले इवेंट्स, वेबिनार के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो। अभी हमने हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट रखे हुए, जिसकी जानकारी आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज के हमारे फैंसी स्लीव्स के पेपर ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग को। तो अभी इस ड्राफ्टिंग टेबल पे हम फैंसी स्लीव्स का ड्राफ्ट डाल देंगे। फैंसी स्लीव्स के मेजरमेंट से स्लीव्स की लंबाई है 4 इंच, दंड घेर है 12 इंच और मुंडा घेरे का नाप है 5.25 इंच। तो सबसे पहले हम लेंगे ड्राफ्ट पेपर। ये जो ड्राफ्ट पेपर है इसकी ऑन फोल्ड बाजू मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ली है और ये जो ओपन बाजू है वो मैंने राइट हैंड साइड पे ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऑन फोल्ड बाजू का पेपर है इसके टॉप कॉर्नर पे हम 0 नंबर दे देंगे और फिर इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे 0 से 1 का नाप। 0 से 1 का नाप लेते वक्त हमें जो भी हमारे स्लीव्स की लंबाई है उसका नाप लेना है, प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड कर देना है, 4 इंच और प्लस 1/2 इंच, 4.5 इंच लेंगे। अभी ये जो फैंसी स्लीव्स है इसकी हाइट हमेशा कम ही रखनी है। हाइट कम रहती तो दिखने में अच्छी दिखती है। अभी इस स्लीव्स को हम लाइनिंग लगा के पल्टी करने वाले हैं, इसलिए मैंने जो भी पूरी स्लीव्स की लंबाई उसमें सिर्फ 1/2 इंच ही ऐड कर दिया है। ये होने के बाद 0 से 2 का नाप लेंगे। 0 से 2 का नाप लेते वक्त हमारा जितना मुंडा घेरे का नाप है उसमें हम 3 से 3.5 इंच मिला देंगे। मुंडा घेरे का नाप है हमारा 5.25 इंच और उसमें 3.5 इंच मिलाने के बाद हो जाता है 9.25 इंच। हम राउंड फिगर इधर 9 इंच ले लेंगे और नंबर देंगे 2। फिर इसके बाद 2 से 3 का नाप लेंगे। 2 से 3 का नाप लेते वक्त जितना हमारा 0 से 1 का नाप है उतना ही ले लेंगे। 0 से 1 का नाप है हमारा 4.5 इंच, 2 से 3 का नाप भी हम लेंगे 4.5 इंच, इधर नंबर आएगा 3। फिर हम 2 से 3 को सीधा जोड़ेंगे और 1 से 3 भी जोड़ देंगे। 1 से 3 जोड़ने के बाद हम लेंगे दंड घेर का नाप। दंड घेर का नाप लेते वक्त दंड घेर जितना है उससे 1/2 प्लस 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन मिला देंगे। दंड घेर का नाप है हमारा 12, 12 इंच का 1/2 हो जाता है 6 इंच और उसमें 1.5 इंच मिलाने के बाद आ जाएगा 7.5 इंच, इधर नंबर देंगे 4। फिर इसके बाद हमें लेना है 0 से 5 का नाप और 2 से 6 का नाप। जितना हमारा 0 से 5 का नाप रहेगा उतना ही 2 से 6 का नाप रहेगा। 0 से 5 का नाप लेते वक्त जितनी हमारी बाही की लंबाई का नाप है उससे साधारणतः हम अंदाजे से 1/2 ले लेंगे। हमारा नाप है 4.5, तो 4.5 का 1/2 हो जाता है 2.25, इधर नंबर देंगे 5। और ये 2 से 6 का नाप लेते वक्त जितना 0 से 5 है उतना ही ले लेंगे। 0 से 5 का नाप लिया 2.25, तो 2 से 6 का नाप भी लेंगे 2.25 इंच, नंबर देंगे 6। फिर इसके बाद 5 से 6 हम जोड़ेंगे फिर इसके बाद 6 से 4 तिरछा जोड़ेंगे। ये होने के बाद
छः से सात एक इंच अंदर लेंगे, इधर नंबर देंगे सात, फिर इसके बाद चार से आठ एक इंच अंदर की तरफ लेंगे और इधर नंबर आएगा आठ, फिर सात से आठ हम तिरछा जोड़ेंगे। ये होने के बाद हम पाँच से सात का मध्य निकालेंगे और उसे नंबर देंगे नौ। हमारा पाँच से सात का नाप है आठ इंच, आठ इंच का मध्य आएगा चार इंच, इधर नंबर देंगे नौ। और अभी हम क्या करें, नौ से सीधी ऊपर लाइन मारेंगे और उधर नंबर दे देंगे दस। नौ से सीधी ऊपर लाइन लेनी है और इधर नंबर आएगा दस। फिर नौ से दस का नाप होने के बाद ये नौ से दस के हम समान तीन भाग करेंगे, इधर दो पॉइंट ले लेंगे, इधर नंबर आएगा ग्यारह। ये बारह नंबर जो है आगे के मुंडे का जो शेप देते हैं उसका नंबर है, इस स्लीव्स के लिए हम सिर्फ पीछे का मुंडा है उसका शेप दे देंगे, आगे के मुंडे का शेप नहीं देने वाले, तो मैं वो नंबर भी नहीं लेने वाली। ये समान तीन भाग करने वाले, इधर मैंने नंबर दे दिया 11 और इधर आएगा 12 नंबर। फिर इसके बाद 0 से 13 आधा इंच सीधा ले लेंगे, इधर नंबर आएगा 13। तो अभी हमें 0 से 13, 13 से 11, 11 से 7 और 7 से 6 पीछे के मुंडे का शेप देना है। तो इस प्रकार अभी हमने पीछे के मुंडे का शेप दे दिया है। अभी हम क्या करेंगे, स्लीव्स का पेपर कटिंग करके ले लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार हमने सिर्फ पीछे के मुंडे का शेप कट कर लिया है। अभी हम ये जो हमारा जीरो नंबर इधर सेंटर में नॉच दे देंगे। नॉच देने के बाद हम इस स्लीव को ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद अभी ये जो ओपन साइड पे इधर हमने मार्किंग किया है, अभी ये जो प्लेन वाली बाजू है इसके अभी फोल्ड डालेंगे, ताकि अभी हमें इधर नंबरिंग करना है। ये हमारा नंबर था जीरो और इधर नंबर था एक। अभी फैंसी स्लीव्स के लिए हमें क्या करना है, जीरो से दो पाव से आधा इंच लेना है। अभी मैं इधर आधा इंच ले लेती हूँ, नंबर आएगा दो। फिर इसके बाद एक से तीन पाव से आधा इंच लेना है। अभी मैंने जीरो से दो आधा इंच लिया है, मतलब मैं एक से तीन भी आधा इंच ही ले लूँगी, इधर नंबर आएगा तीन। फिर ये जो दो नंबर है और तीन नंबर है इसको सीधा जोड़ना है। फिर हमें तीन से ए एक इंच तिरछा लेना है, इधर अक्षर आएगा ए। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर मैंने तिरछा जोड़ दिया है। फिर इसके बाद अभी हमें दो से ए से अभी इधर शेप देना है, ताकि हमारे फैंसी स्लीव्स का शेप रेडी हो जाए। अभी हमें शेप दे देते हैं। तो इस प्रकार हमें शेप देना है। तो इसी प्रकार हमारा फैंसी स्लीव्स का शेप देके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड से, सिर्फ हल्के से दो या तीन चेंजेस हमने बेसिक स्लीव्स में किए, फिर इसके बाद हमारी फैंसी स्लीव्स रेडी हो जाती है। सेम ड्राफ्टिंग आपको मेगा फैशन इंस्टीट्यूट के बुक्स में मिलेगा, उसको इस्तेमाल करके आप इजीली कोई भी स्लीव्स का ड्राफ्ट डाल सकते हैं। अभी हम इसका कटिंग करके लेते हैं। कटिंग करते वक्त एक जो दो नंबर है इधर से हमें कटिंग करना है। ये जो पार्ट है इसको हमें एक शेप देके अच्छे से कट कर लेना है। ये जो बीच का पैच है ये हम कॉन्ट्रास्ट कपड़े में ले सकते हैं। देखिए ये दोनों साइड से आ जाएगा। ये जो दो पीस है हम प्रिंटेड ले सकते हैं, बीच का पैच जो है वो प्लेन ले सकते हैं। अभी ये जो स्लीव्स है इसका पैच हमने इस प्रकार ले लिया है। ये पैच हम हल्का सा ऊपर भी ले सकते हैं ताकि देखने में अच्छा दिखे, या चाहे तो आप नीचे भी ऐसे ले सकते हैं।
दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दिखने के लिए अच्छा देख जाता है। तो इसी प्रकार हमारा ये जो है फैंसी स्लीव्स का पूरा पेपर ड्राफ्ट और पूरा पेपर कटिंग रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग, कीप राइजिंग।